सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग में स्वर्गीय राव बहादुर बापू राव दादा किनखेड़े व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया था जहां विशेष रूप से डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा मौजूद थे। इस समय प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को एक सामान्य विश्व दृष्टिकोण में जोड़ता है। मानव विज्ञान भवन स्थित दर्शन शास्त्र विभाग के सभागार में आयोजित इस व्याख्यान मेला के अध्यक्ष के रूप में प्रति कुलपति डॉक्टर संजय दुते तो मुख्य अतिथि के रूप में मानवी के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामराव कोरेटी मौजूद रहे। साथ ही इस समय दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष धीरज कदम उपस्थित थे। अतिथि वक्ता डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा ने अपने व्याख्यान में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और इस ध्यान परंपरा को फिर से स्थापित करने में दर्शन की भूमिका पर प्रकाश डाला। वैश्वीकरण के इस युग में दर्शन की प्रासंगिकता और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान की सभी शाखाओं को स्वतंत्र रूप से अपनी प्रायोजित दृष्टि को परिभाषित करने की अनुमति दी जाती है तो वे अराजकता में समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल दर्शन शास्त्र ही एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण प्रदान करता है जो ज्ञान की सभी शाखाओं को मोतियों की माला की तरह एक साथ बांधने का काम करता है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन की भूमिका की सटीक व्याख्या की। इस व्याख्यान माला के संयोजक राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज दर्शन शास्त्र विभाग नागपुर विश्वविद्यालय के प्रमुख डॉक्टर धीरज कदम ने अपने परिचय में इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़ी जानकारी बताई। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की और वक्ता का परिचय देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास और संरक्षण में दर्शन शास्त्र के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र गायधनी और डॉक्टर सुनीता इंगले सहित विभिन्न विभागों के शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर धनश्री पात्रिकर ने सूत्र संचालन सभा कौशल इनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।